सो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो, सो वेलकम यू ऑल गाइज टू माई चैनल। एंड आज मैं आप सब लोगों के सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, एंड दैट स्टोरी इज़ द मोटिवेशनल स्टोरी। और ये स्टोरी का थीम और इस स्टोरी का जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जो लोग ओवर थिंकर्स हैं, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं और सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, इतना दिमाग ख़राब कर लेते हैं हमको रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन सुकून सब गायब हो जाता है। ये स्टोरी जो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी वो कोई मित्रा के चैनल पे सुनी, जो इसी तरीके की मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस आदमी से जो किसी भी तरीके का लॉक खोल देता था। उस आदमी को हम नाम दे देते हैं लक्ष्य। लक्ष्य इज़ अ बॉय जो कोई भी लॉक, किसी भी तरीके का, कोई घर का लॉक हो, कोई भी सिक्योरिटी लॉक हो, कोई हाई सिक्योरिटी लॉक हो, डिजिटल लॉक हो, नॉर्मल लॉक हो, किसी भी तरीके का लॉक खोल देता था। और ये एक तरीके का उसका पैशन था, उसका वर्क था, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था, वो हर तरीके के लॉक को खोल देता था। तो अब लोगों ने उसको चैलेंज करना स्टार्ट करा, लोग उसको चैलेंज करते थे कि ठीक है आप ये वाला लॉक भी खोल कर दिखाओ, अगर आप खोल सकते हो तो। तो फिर वो ठीक है वो खोल देता था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट था। तो लक्ष्य को चैलेंज मिला कि आपको हम एक पानी में डालेंगे, आपको बेसिकली हम एक चैम्बर में डालेंगे, एक बॉक्स में डालेंगे, एक छोटा सा चैम्बर है उसमें डालेंगे, वो लॉक्ड होगा और उसको चैम्बर को हम पानी में डालेंगे, मतलब लक्ष्य होगा चैम्बर में, चैम्बर होगा पानी में। तो लक्ष्य ने और लक्ष्य को वो अनलॉक कर कर उस चैम्बर के बाहर आना है और पानी के बाहर आना है। तो ये चैलेंज लक्ष्य को मिला और लक्ष्य ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा, वो था कॉन्फिडेंट, उसको लगता था कि हाँ वो ईजीली कर लेगा, तो उसने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो लक्ष्य को पानी में डाल दिया जाता है। तो लक्ष्य अपना पॉकेट से एक वायर निकालता है, तार निकालता है, जो जिससे भी वो लॉक खुलता है वो चीज़ निकालता है और लॉक को अनलॉक करना स्टार्ट कर देता है। टाइम बीतता गया, सेकंड्स बढ़ते गए और लक्ष्य अभी भी लॉक खोल रहे हैं। लक्ष्य ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी वो लॉक को अनलॉक करने की, बट जब उसको फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं कर पा रहा है तो उसने गिव अप करने का सोचा। उसने गिव अप किया, उसने वो इमरजेंसी रिंग दबाई और फिर वो चैम्बर ऊपर आने लगा। बट इस मोमेंट पे लक्ष्य वॉज सो डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कोई टास्क कंप्लीट ना किया हो, कहीं बहुत ज़्यादा हारा हुआ इंसान लग रहा था। इतना डरा हुआ था कि वो ऊपर देख ही नहीं पा रहा था और वो चैम्बर के नीचे ही बैठने का सोचता है, और वो जैसे ही डोर को पकड़ के नीचे बैठता है तो डोर खुल जाता है, का जो गेट होता है, जो उसका मेन डोर होता है वो ओपन हो जाता है जैसे ही वो उसको पकड़ कर नीचे बैठने की सोचता है। तब लक्ष्य एक सेकेंड के लिए शॉक हुआ और उसने ये चीज़ सोची कि उसको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि डोर लॉक था ही नहीं। फिर वो अपने आप से ये चीज़ पूछता है, अपने आप को क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ उसके माइंड में क्यों नहीं आई आखिर कि डोर अनलॉक भी हो सकता है। उस टाइम पर, उस मोमेंट पे इतना ज़्यादा डरा हुआ था और इतना ज़्यादा वो ओवर थिंक कर रहा था, सिर्फ वो लॉक के बारे में सोच रहा था, वो सिर्फ ये सोच रहा था कि उस लॉक को अनलॉक कैसे किया जाए। उसने ये सोचा ही नहीं, उसके माइंड में ही नहीं आया कि जो डोर है वो लॉक नहीं भी हो सकता। उसका सारा फोकस उस लॉक पर था, ना कि पूरी सिचुएशन पर। थिंग इज कि ये स्टोरी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इस पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। तो कोई भी अगर सिचुएशन हमारे सामने आए, फिर चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमको अपने माइंड में रखनी है उस सिचुएशन से रिलेटेड, कि हमको उस सिचुएशन को लेकर पैनिक नहीं होना। सो द फर्स्ट थिंग इज नेवर एवर फील पैनिक इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी सिचुएशन। और ये चीज़ कैसे होगी, जब हम लोग उस सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग से व्हाट आई मीन टू से इज नेगेटिव थिंकिंग। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में लेकर अपने आप को स्ट्रेस में रख रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ रहे। तो हमको उस प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, हमको क्या करना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे के रोते रहना है। सो द थर्ड थिंग इज हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन भी सिर्फ एक साइड को लेकर नहीं ढूंढना, क्योंकि वो एक साइड का अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे
तो मे बी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और मे बी वो सॉल्यूशन निकले नहीं। तो हमको पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है पूरी प्रॉब्लम को सोचनी है, उस प्रॉब्लम के सारे पहलू सारी साइड्स देखने हैं और फिर हमको सारी साइड्स एनालाइज करने के बाद एक सॉल्यूशन ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे 10 दिन बाद एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो ये है प्रॉब्लम। अगर मैं यही बार बार सोचती रहूँगी दैट मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मेरे पास टाइम कम है, दैट मीन्स मैं प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गिव मी मोर स्ट्रेस और मैं अल्टीमेटली डिप्रेस हो जाऊँगी। सो द थिंग इज़ कि मेरे को उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, मेरे को उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। और इस प्रॉब्लम का कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा कि अभी जितने 10 दिन हैं उसमें अपने सिलेबस को एनालाइज करो, उसको डिवाइड करो और उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ और एक प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो। अब वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। नाउ मेरे को सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे वर्क करना है और प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर मैं उस सॉल्यूशन पे वर्क करूँगी तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से टैकल हो चुकी होगी और वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट अगर मैं उसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढती हूँ और फिर सॉल्यूशन ढूंढने के बाद भी मैं उस पर वर्क नहीं करती हूँ तो फिर यही चीज़ें बार बार होंगी, मेरे को स्ट्रेस होगा, मेरे को ओवर थिंकिंग होगी, मेरे को एनजाइटी होगी। तो सिर्फ हमको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, हमको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और सॉल्यूशन पे ही सारी साइड्स को देखकर, सिर्फ एक चीज़ को देखकर नहीं सोचना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस लाइक द स्टोरी एंड माय वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट, बाय।